तो कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होगा, मतलब बेहतर ही होंगे। आज जो चैप्टर हम डील करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर साउथ स्क्रीनिंग। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जानकारी जो आपको रखनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर दिस चैप्टर। दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थरो विद द पीरियोडिक टेबल। मतलब क्या है, आप लोग का पूरा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद होना चाहिए ऑन द ट्रिप, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए, या फिर आप लोग रट सकते हैं आपकी जो इच्छा है, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। थर्ड, वैलेंसीज आपको रटना है, वैलेंसीज आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, या फिर आप मगअप कर सकते हैं। फोर्थ, फोर्थ इज वॉट, आपको एटॉमिक मासेस आना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ इज वॉट, ग्रुप्स और पीरियड्स कहाँ कहाँ पर है, कौन से एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में है, कौन से एलिमेंट्स कौन से पीरियड्स में है। और लास्ट वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन सभी के ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जैसे एटॉमिक नंबर का ट्रेंड, बैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सभी ट्रेंड्स लाइक जो अभी मेंशन किए और जो भी है ट्रेंड्स, आपको क्या होना चाहिए, थरो होना चाहिए। मतलब आपको उसका एक्सेप्शन केस भी पता होना चाहिए और जनरल रूल भी पता होना चाहिए कि कैसे वो फॉलो करता है, नहीं तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज, क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। देखिए, आपका पहले क्वेश्चन किस पे आ गया, ट्रेंड्स पे आ गया। कौन सा ट्रेंड पूछा है आपको, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको मेटालिक कैरेक्टर का बता देता हूँ क्या होता है इसमें। मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या है, Tendency to lose electrons very easily. Tendency to lose electrons very easily. ठीक है, और ये आपको पता है कौन से ब्लॉक में होगा, S ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अपने अच्छे से, मतलब बहुत ही ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज कर पाएंगे। तो S ब्लॉक जो है, S ब्लॉक आपका क्या है, उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब सबसे हाई होगा। ठीक है, और जो पी ब्लॉक में एलिमेंट लाई करेंगे, पी ब्लॉक में एलिमेंट्स जो लाई करेंगे उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, इधर हाई होगा, इधर क्या, लो होगा। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो आप किसी भी ट्रेंड्स में लगा के आप उल्टा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अभी क्या है, आपको इसका ट्रेंड पता होना चाहिए कि मेटेलिक कैरेक्टर किस साइड इंक्रीज होता है, किस साइड डिक्रीज होता है। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आप लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या है, जो S ब्लॉक में एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या है, आपका हाई मेटेलिक कैरेक्टर रखेंगे, और जो P ब्लॉक के अंदर रहेंगे वो क्या होगा, लो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखेंगे। ये हुई क्या, अक्रॉस द पीरियड की बात, मतलब लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे। अभी जब हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे, मतलब ग्रुप की बात करेंगे, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज का मतलब क्या है, ऐसा क्यों, हम रीजन समझ लेते हैं। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। इधर क्या है, इधर साइज जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे, साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। हमें पता है एक से एक एक सेल इंक्रीज होता जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये आपका न्यूक्लियस है, तो ऐसे ऐसे साइज हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे साइज हमारा इंक्रीज करते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या, लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, इजी होगी। इसलिए जो टॉप टू बॉटम, जो नीचे वाले ग्रुप के एलिमेंट्स रहेंगे, उनकी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू टॉप वाले। ठीक है, इसलिए मैंने इंक्रीज लिखा है, उधर क्या लिखा है, डिक्रीज। मतलब डिक्रीज का मतलब क्या है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, मतलब बिगर टू स्मॉलर, और इधर क्या होगा, स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर। यही सब पॉइंट्स ध्यान में रख के हमको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आइए हमारे क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं, सभी पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए, इसको देखते हैं अप्रोच कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन क्या देख रहा है, क्या दे रहा है आपको, सोडियम इज लेस देन लिथियम इज लेस देन व्हाट, पोटेशियम। मतलब पोटेशियम का सबसे हाईएस्ट है, फिर उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम। आइए देख लेते क्या ये ऑप्शन दिया हुआ करेक्ट है।
हमें पता है ये कौन सी सीरीज का है, फर्स्ट ग्रुप का है, दैट इज एस ब्लॉक, और उसके एलिमेंट क्या होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे एस ब्लॉक का एलिमेंट, जो अल्कली मेटल्स है उनके एलिमेंट्स हुए। आप कैसे याद कर सकते हैं, ह ली ना की रब से फरियाद, कैसे याद कर सकते हैं, रिपीटेड ट्वाइस, ह ली ना की रब से फरियाद। ये क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ एलिमेंट से। अभी ये टॉप टू बॉटम आ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है तो हमें क्या देखना है, साइज। तो जिसका ज्यादा सबसे बड़ा साइज रहेगा उसका मेटल कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें क्या दिया है, सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम और लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम। क्या देख लेते हैं, ये ट्रेंड हमारा फॉलो हो रहा है। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम बड़ा है सोडियम से, बड़ा है। लेकिन इधर क्या दिया है, लिथियम इधर क्या है, छोटा है सोडियम से। लेकिन इधर क्या दिया, सोडियम इज लेस देन लिथियम। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, कैसे अप्रोच करना है। हालांकि ये पोटेशियम हमारा बिगर साइज में, लेकिन उसके बाद क्या रहा है, सोडियम आ रहा है, जबकि इधर क्या लिखा है, लिथियम। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, गलत। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत। सिमिलरली कार्बन सिलिकॉन और नाइट्रोजन क्या लगाना है, कार्बन सिलिकॉन और नाइट्रोजन के लगाना है, तो वो देखते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग। आइए देख लेते हैं, ये अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये 2p पीरियड क्या है, 2p पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के। और सिलिकॉन क्या आता है, कार्बन सिलिकॉन। ठीक है, तो जिसका इस साइड रहेगा, मतलब सबसे हाईएस्ट कैरेक्टर किसका रहेगा, कार्बन का, किसका रहेगा, सबसे कार्बन का। और इधर क्या दिया है, सबसे कम कार्बन का ही दिया हुआ है, क्या दिया है, सबसे कम कार्बन का ही दिया है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। लेट्स कम बैक टू द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये भी देख लेते हैं कैसे करेंगे, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। मैग्नीशियम इधर था बेटा मांगे, ठीक है, उसके बाद बैगन आलू बोरोन और एल्यूमिनियम, उसके बाद कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन, ये क्या है हमारा, अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, अक्रॉस द पीरियड, ये क्या है, सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। और मैंने क्या बताया, पीरियड के जाते टाइम आपको क्या देखना है, कि जो लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड में रहेगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बट इधर क्या दे रहा है, इधर ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन सिलिकॉन, बट इधर क्या है, रिवर्स ऑर्डर है, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने चार तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, करेक्ट। आइए देख लेते हैं इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो ये आपको पता है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, दैट इज अल्कलाइन मेटल्स के। तो कैसे होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप राजी। तो ये आप इस तरीके से ट्रिक अपना सकते हैं कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स याद करने की, क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बैरियम और रेडियम। ठीक है, क्या, रेडियम। तो डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप मतलब साइज जिसका ज्यादा बड़ा होगा उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर। तो तीनों ऑप्शन में क्या है, कैल्शियम सबसे बड़ा दिख रहा है, कैल्शियम क्या है हमारा, सबसे बड़ा, ये वाला जस्टिफाई कर रहा है, कैल्शियम का सबसे बड़ा, फिर देन मैग्नीशियम बड़ा आएगा, फिर क्या है, बेरिलियम। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगाया गया, ये ऑप्शन क्या लगाया, बिल्कुल करेक्ट लगाया गया, कैल्शियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, करेक्ट आंसर। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ ये ट्रेंड्स आपको समझ में आएगा कैसे लगाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग के ही लेक्चर्स में बोला कि आपको सभी चीज़ें पता होना चाहिए, तब आपसे आप क्वेश्चन अप्रोच कर पाएंगे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, एक कोई एलिमेंट है, सपोज एक्स है एटम, एक सपोज कोई एटम क्या है, एक्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया आपको, 2 दिया है, 8 दिया है और 7 दिया है। ठीक है, 2, 8 और 7 दिया है। पूछा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर। केमिकली सिमिलर, केमिकली सिमिलर का मतलब क्या बता सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो हमें इसमें क्या देखना है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो इन सभी ऑप्शन से हमें क्या चेक करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है। तो लेट्स चेक वन बाय वन हमारा क्या है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है, आपको एटॉमिक नंबर दिया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया है ताकि आप कैलकुलेट आसानी से कर सके। तो नाइट्रोजन क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 7 है, तो
इधर लिख लेते हैं के एल के एल एम और एन, के एल एम और एन। अगर आप लोग को पता नहीं हो तो के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपको नहीं फिल करना है। सिमिलरली एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं निकालना आता तो आप इधर सीख सकते हैं कि के में आप मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो हम वन बाय वन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम जिसका आएगा वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 7 चाहिए, एल में मैक्सिमम 8 आ सकता है, तो इधर क्या होगा, 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हमें जरूरत किसकी है, 7 की। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट। सेकंड क्या है, फॉस्फोरस। सेकंड क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। इसके फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 और क्या होगा, 5। तो इसमें भी 5 आ रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, कितना है, 11। तो इसका भी हम फिल करके देखते हैं और देखते हैं क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है कि 7 आ रहा है कि 5 आ रहा है, व्हाट एवर इट इज, उसी के हिसाब से हम क्या ऑप्शन लगाएंगे। तो 2 आएगा, 8 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो अल्टीमेटली कौन सा साइन हो जाएगा करेक्ट हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्लोरीन। आइए चेक कर लेते हैं कैसे होगा। फ्लोरीन का निकालना हमें, फ्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9। तो इसका लिखते हैं, तो 2 हो जाएगा पहले में और किसमें होगा, 7। तो हमें 7 की इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसीलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया कि आपको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, और एग्जामिनर हर बार यही करता है कि नॉट करेक्ट पूछा है, क्योंकि बच्चों के ऊपर क्या रहता है, एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो पहला ऑप्शन क्या करेक्ट वाला ही देगा और वो बच्चा एकदम क्लियर टिक करके चला जाएगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग अलग से करवाएगा। तो आपको क्वेश्चन हमेशा आप 2 बार पढ़िए, ठीक है, क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट बता रहा है, करेक्ट वाला नहीं बता रहा है हमें, नॉट वाला बता रहा है। अबाउट द ट्रेंड्स, कौन सा ट्रेंड्स का पूछा है, ट्रेंड्स कौन सा पूछा है, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप गोइंग डाउन इन द ग्रुप। क्या बोला है, ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो कौन सा ट्रेंड इन सभी ऑप्शन में से क्या है, गलत है। तो लेट्स चेक वन बाय वन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। ये ऑप्शन स्टेटमेंट जो दिया है बिल्कुल करेक्ट है, केमिकल रिएक्टिविटी आपका टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये वाला ऑप्शन जो हमें चाहिए नॉट करेक्ट, तो वाला एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो स्टेटमेंट गलत हो, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वाला ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड कैरेक्टर क्या है, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। एज आई हैव टोल्ड पिछले लेक्चर स्लाइड में कि क्या, कि मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमें चाहिए नॉट करेक्ट, वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या करा है, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। यस, टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज हमारा इंक्रीज करता है, और उसके बाद इसका होता है मेटेलिक कैरेक्टर भी हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत। तो अल्टीमेटली जो ऑप्शन लास्ट में बचा वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्या बोल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं करता, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम, रिमेन सेम। ये हो जाएगा हमारा क्या, करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, ये वाला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्या पूछा है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। क्या बोल रहा है आपको, एक कोई एलिमेंट ए है, एक कोई एलिमेंट ए है जो आपको थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहा है, एंड ग्रुप 16 में लाई करता है, जिसको बताना है उसकी वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, उसकी वैलेंसी क्या होगी। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारा जो
ये होता है हमारा क्या पीरियोडिक टेबल, ये होता है क्या हमारा पीरियोडिक टेबल। इधर होगा आपका क्या, अगर मैं इधर ऐसा मार्क कर दूं, ये हो जाएगा क्या हमारा डी ब्लॉक, हालांकि इधर भी आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या डी ब्लॉक, इधर आएगा आपका एस ब्लॉक, इधर क्या आएगा आपका एस ब्लॉक, इधर आएगा आपका पी ब्लॉक, ठीक है। तो ग्रुप कहाँ कहाँ लाई करता है, ठीक है, पहला ये हो जाएगा ग्रुप, सेकंड, फिर थर्ड टू टेंथ ट्वेल्थ तक इधर रहेगा डी ब्लॉक में, थर्ड टू ट्वेल्थ तक आपका किधर रहेगा डी ब्लॉक में, उसके बाद 14 to 18 किधर रहेगा, सॉरी 13 to 18 किस में रहेगा पी ब्लॉक में रहेगा, ठीक है, पी ब्लॉक में रहेगा। ये रहा आपका क्या ग्रुप का सेपरेशन। तो इसमें क्या बोला, थर्ड पीरियड में हमारा क्या एलिमेंट लाई करता है, तो अगर मैं बोलूँ ये हमारा क्या होगा, पहला पहला ग्रुप हो जाएगा, सेकेंड ग्रुप इधर से चालू होगा, ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप सपोज इधर आएगा, ठीक है। तो थर्ड थर्ड ग्रुप ये हो गया, उसके बाद हमें क्या बोला है 16 ग्रुप, ठीक है, थर्ड पीरियड इधर से होगा, 16 ग्रुप बोला है। तो हमें पता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इधर क्या आएगा हीलियम। तो बोरोन का ग्रुप नंबर कितना होता है, बोरोन का ग्रुप नंबर होता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हमें क्या बोला है 16 ग्रुप में लाई कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में क्या कर रहा है, वो एलिमेंट हमारा क्या कर रहा है लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, -2 या फिर 2 होगी, ठीक है। ऑक्सीजन वाले पूरे जो ग्रुप है उसकी वैलेंसी एलिमेंट्स की कितनी होगी, 2। अगर आपको नहीं आता तो ट्रिक बता दे रहा हूँ, बोरोन का वैलेंसी होगा 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, नियॉन की फैमिली का 0। ये रहता है वैलेंसी का ट्रिक, ठीक है, वैलेंसी का ट्रिक, तो आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं। तो हमारा वैलेंसी क्या आया, 2 आया, मतलब ए की वैलेंसी क्या होगी हमारा 2। तो लेट्स चेक ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या करें आपको, वैलेंसी इक्वल टू 6, ये अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या करें आपको, वैलेंसी इक्वल टू 2, ए हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चला, जैसे मैंने कहा था कि आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल की, एटॉमिक पीरियड किधर है, एटॉमिक नंबर किधर है, एटॉमिक मास किधर है, पीरियड कहाँ है, ग्रुप कहाँ है, एलिमेंट्स कौन से वाले कौन से ग्रुप में लाई कर रहे हैं, कौन से पीरियड्स में लाई कर रहे हैं, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, कैसे याद करेंगे या फिर कैसे सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्या पूछ रहा है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स आपको दिए हैं, और क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी इन अ ग्रुप ऑफ द 16 पीरियोडिक टेबल, ठीक है, 16 पीरियोडिक टेबल, मतलब ये सब जो भी एलिमेंट्स है वो किसमें पूछ रहा है, कौन से एलिमेंट्स होंगे जो 16 ग्रुप वाले पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं। अगर अभी याद हो मैंने पिछले ही स्लाइड में दिखाया कि ऑक्सीजन फैमिली क्या होगी 16 ग्रुप, तो उसके एलिमेंट्स क्या कहते हैं, ओ स्टाइल से टी ओ, तो ये क्या कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं आप, ऐसा ट्रिक बनाए हैं मैंने तो आप याद कर सकते हैं, ओ स्टाइल से टी ओ, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और कोलिनियम। तो आइए देख लेते हैं कौन से एलिमेंट्स जो इसमें दिए गए हैं वो 16 ग्रुप में लाए करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, कैल्शियम दिया है, कैल्शियम इधर कहीं भी नहीं दिख रहा, तो जिसमें भी कैल्शियम है आपका एलिमिनेट कर सकते हैं, तो दो ऑप्शन हमने क्या कर दिया एलिमिनेट कर दिया। तीसरा ऑप्शन आर्गन दिख रहा है, आर्गन भी इसमें क्या होगा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और सल्फर, और हमें दिख रहा है ऑक्सीजन और सल्फर इधर लाए कर रहे हैं 16 ग्रुप में, क्या कर रहे हैं लाए कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, एन एलिमेंट हैज एक्स हैज मास नंबर 40, क्या बोल रहे हैं, एक एलिमेंट आपको दिया गया है एलिमेंट एक्स, उसका मास नंबर कितना दिया है, मास नंबर मतलब ए, ए की वैल्यू दी कितनी 40, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कोई भी एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं किस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज एक्स इज द एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट, ए इज मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स,
और जेड किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के इक्वल। फिर हमारा क्या फॉर्मूला, कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इधर क्या दिया है, एन एक्स लिमिट एक्स हैज मास नंबर 40 एंड कंटेन्स 21 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एन इक्वल टू क्या होगा 21, एन इक्वल टू क्या होगा 21, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग। तो आपको क्या पूछ रहा है, इन सभी ऑप्शन में से कौन से पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में लाए करेगा। तो इसका अप्रोच देखते हैं कैसे करेंगे, हमें क्या पता है एटॉमिक मास पता है, मास नंबर, और हमें क्या पता है न्यूट्रॉन्स। तो क्या इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करके नहीं निकाल सकते प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स हमें क्या दे देगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से हम पता कर लेंगे कि वो कौन से ग्रुप में लाय करेगा। तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू पी प्लस एन, ए इक्वल टू पी प्लस एन, ए की वैल्यू कितना दिया आपको 40, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितना दे 21, तो 40 माइनस 21 इक्वल टू पी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, पी इक्वल टू वॉट 19 आया, प्रोटॉन्स कितने हमारे पास 19, और प्रोटॉन्स इक्वल टू वॉट एटॉमिक नंबर, तो z इक्वल टू क्या आया हमारा, z इक्वल टू क्या आया 19, और z इक्वल टू 19 किसका होता है अगर आपको पता हो तो z इक्वल टू 19 होता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है, किसका है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और हमें पता है पोटेशियम किसमें लाई करता है, फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है, किसमें फर्स्ट ग्रुप में लाई करता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ग्रुप वन दिया है तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझ में आया होगा और आपको कैसे सॉल्व करना है ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, एन एलिमेंट एक्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड XO, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक एलिमेंट एक्स है प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है एक ऑक्साइड बना रहा है, कौन सा मेटल ऑक्साइड XO, ठीक है, क्या हो रहा है XO ऑक्साइड बना रहा है। क्या पूछा, दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मतलब क्या है, इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो क्या पूछा आपको, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्या पूछ रहा है, जब एक्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ठीक है, क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। इसका अप्रोच कैसे करेंगे, हमें पता है कोई भी फॉर्मूला लिखा जाता है या फिर आयनिक कंपाउंड लिखा जाता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्या होता है न्यूट्रल, मतलब चार्ज क्या होता है बैलेंस होता है, प्लस और माइनस चार्जेस क्या होता है बैलेंस। तो हमें पता है आपको एक्स दिया है और ओ दिया है, ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, चार्जेस मतलब क्या होता है वैलेंसी, तो ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है माइनस टू, ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है माइनस टू, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए एक्स की वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारा प्लस टू, क्या हो जाएगा प्लस टू, तो एक्स की वैलेंसी हमारी क्या आई प्लस टू। तो जब एक्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड मेटल लिखते हैं, लेफ्ट साइड मेटल और राइट साइड क्या होगा आपका नॉन मेटल, ठीक है, लेफ्ट साइड मेटल राइट साइड नॉन मेटल, उसके बाद उसके नीचे हम क्या लिखते हैं उसकी वैलेंसीज, तो एक्स की आई प्लस टू और क्लोरीन की अभी वैलेंसी मैंने बताई थी पिछले स्लाइड्स में माइनस वन। थर्ड स्टेप क्या होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थर्ड स्टेप क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और फोर्थ स्टेप क्या होता है लास्ट में हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इग्नोरिंग चार्जेस, तो क्या हो जाएगा XCl2, ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर, ये वाला फॉर्मूला हमें बनेगा जब X क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है XCl3, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा क्या दिया है XCl, ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है XCl2, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आज थर्ड सेवेंथ क्वेश्चन जो जिसका आंसर क्या है सी ऑप्शन है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये समझ में आ रहा है कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के। आइए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के लेक्चर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, के बाद हम लेक्चर समाप्त करेंगे, देन हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे तो कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। क्या पूछा आपको, नेम द न्यूट्रल आइटम इन द पीरियोडिक टेबल which has same number of electrons as K plus and chlorine minus। आपको क्या पूछ रहा है,
इसमें से कौन सा न्यूट्रल एटम होगा जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, के प्लस और क्लोरीन माइनस का। तो ये कैसे करेंगे, पहले हम के प्लस के इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे फिर क्लोरीन माइनस के निकालेंगे। क्या है के प्लस और ये क्या है सी एल माइनस, ये कैसे बना होगा? ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बना होगा। हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा, के इज कन्वर्टेड टू प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्लोरीन कैसा बना होगा आपका, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन माइनस। मतलब क्या है, ये आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखिए के क्या था आपका, पोटेशियम का था, न्यूट्रल गैसियस एटम था, न्यूट्रल गैसियस एटम में वो किस में कन्वर्ट हुआ, के प्लस में। मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है का मतलब क्या है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है। और इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हुआ होगा। आइए अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो के प्लस का हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा, हमें पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, उसमें से प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका 19 माइनस वन क्या हो जाएगा, 19 माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो हमें एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन हमें कितना करना है 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8 और 8, क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है 8। सिमिलरली क्लोरीन का आपका कितना हो जाएगा, क्लोरीन का देख लेते हैं, क्लोरीन का होता है 17, उसमें से एक नेगेटिव चार्ज आया, मतलब 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो इसी का हमें क्या एटॉमिक नंबर निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2, 8, 8, ये क्या हो जाएगा 2, 8 और 8। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें फाइंड आउट करने, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा उसी हिसाब से हमने क्या ऑप्शन करेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन जो भी दिख रहे हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन और क्रिप्टन, ये किसके, इनर्ट गैसेस के, मतलब ग्रुप 18 के। तो उसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, हीलियम और करे एक्सरे, क्या हो गया, ये एलिमेंट्स को याद करने का तरीका है 18 ग्रुप का, कैसे याद कर सकते हैं आप, हे नीलम और करे एक्सरे, ठीक है, हे नीलम और करे एक्सरे। इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको P ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालना हो तो आप कौन से नंबर ऐड करेंगे, 8, 18, 18 और 32, ये हो गया क्या आपका ट्रिक एटॉमिक नंबर निकालने की। S ब्लॉक का अलग है, अगर S ब्लॉक का भी चाहिए आप कैसे लिख सकते, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये रहा आपका S ब्लॉक के नंबर का एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका। तो देख लेते हैं, हमें पता है हीलियम का कितना होता है 2, हीलियम का कितना आता है 2, ठीक है, नियॉन का कितना आता है 10, तो इधर तक तो नॉर्मली सबको याद रहता है, ठीक है 10। उसके बाद एर्गन में कितना ऐड करना है 8, तो 10 प्लस 8 18, 18 के बाद वापस 18 ऐड करना है तो क्रिप्टन का कितना हो जाएगा 36, 36 के बाद वापस 18 ऐड करना है तो आपका कितना हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा आपका 54। ये रहा हमारा क्या एटॉमिक नंबर। अभी हमें देखना है कौन से में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हमें दिख रहा है 18 एटॉमिक नंबर है, तो एर्गन का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एर्गन हमारे बीच में सेकंड ऑप्शन में दिया है तो यही हो जाएगा कि हमारा करेक्ट आंसर, बाकी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको सेशन समझ में आएगा, कुछ मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की और अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि मैंने अप्रोच आपको सिखाया। तब तक के लिए आप मजे से पढ़ते रहिए, टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।